रेवाड़ी शहर से सटे गांव रामपुरा में वर्षों से टूटी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर है। इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सालों से टूटी पड़ी सड़क की जगह सीमेंटेड रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 3,57,00,000 रुपए की लागत से रामपुरा मोड़ से आश्रम तक 18 फुट चौड़ी सीमेंटेड सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर नाले भी बनाए जाएंगे ताकि बरसात के दिनों में सड़क पर पानी ना भरे। नर्रू बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। और किसी सरपंच ने आज तक ये काम करके नहीं दिखाया। देखो दे जो बात है तो गरीबन को भलो कर रहे हैं। जैसे मान लो गरीब लोग, उनके ये रोड भी हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। अभी इसमें वैसे तो पानी भर जाता है, जब यहाँ से लगाते भी जाते भी है। देखो हम गलत कह रहे हैं तो आप बता दो। क्या कुछ करवाया और कुछ क्या करवाया? अभी तो देखो यही बन रहा है, उन्होंने सब कुछ करवा रखा। अंकल जी देखो, बेचारे ने गरीब आदमी जिनके घर में जो पैसा वाले उनने नाज मिला करो, जो गरीब है जिसके घर में 4 मेंबर है, 5-5 बच्चे हैं, उनको राशन कार्ड है, इन सबको बनवा दी बेचारा ने, सबकी सुविधा कर दिया। गरीबन की किसी की भान बेटी की शादी हो बेचारे को धर्म पुण्य कर रहा, किसी को दे रहा जैसे बन रहा है यहाँ पे। और बेचारा गाँव बस्ती में जैसे कोई बुला ला रहे हमारी जगह के पीछे रोड चल रहा है, बेचारा सबके गैल जा रहा है, सबको कहता है शाम पाली बात कह रहे हो। और किसी के घर में लड़ाई ना होने, जो कोई बुला लावे वो दोनों माई की चुप कर आवे। गांव या रामपुरा में सबसे ज्यादा रोड हो। गांव के सरपंच नरेश यादव ने बताया कि साल 2009 के बाद से सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। सड़क पर पानी बहता था और लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब सड़क के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा एक एजेंसी को दिया हुआ है। गांव के सरपंच ने बताया कि इस दौरान सड़क के दोनों ओर बने रैंप, पैड़ी और अवैध कब्जे आदि को भी हटाया जाएगा। गांव की जो गलियां कच्ची रह गई हैं उन्हें पक्का कराया जाएगा और पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट के साथ ई लाइब्रेरी मंजूर करवाई गई है। साथ ही सरपंच ने बताया कि गांव में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे गांव में कतुपुर मोड़ से लेकर आश्रम मेन गेट तक अभी नई रोड का निर्माण कार्य चालू है, जो 18 फुट चौड़ी सीसी रोड है और साइडों में टाइल लग के पूरा कम्प्लीट कहीं 71 फुट और कहीं 77 फुट चौड़ा रोड बनेगा। इस गांव का जहां पानी जमा होता था पूरा, उससे सारे गांव वाले को अच्छा निजात मिलेगा, नया सुंदर रोड मिलेगा। 2009 के बाद ये रोड बनी नहीं थी, अब माननीय राविंदर जी के प्रयास से इस रोड को 3,57,00,000 रुपए की लागत से नया सुंदर रोड बना रहे। पीडब्ल्यूडी बना रही है इसको और उसका ड्राइंग पूरा मैप बना रखा है। रोड बनाएंगे, रोड के साइड में दोनों तरफ बरसाती नाला लगाएंगे। वो वैसे पानी के लिए तो हमारे गांव में सीवर लाइन है, पूरे गांव में सीवर लाइन है, पानी की लाइन सीवर लाइन पूरे गांव में बिछी हुई है, कोई पानी जमा नहीं होता। बरसाती पानी है वो उसके लिए बरसाती नाले बना रहे सड़क के दोनों तरफ, तो सारा बरसात का पानी गाँव के झोड़ में डालेंगे, कहीं पानी रस्ते में खड़ा नहीं होगा, बहुत सुंदर रोड बनेगा। तो इसके अलावा क्या कुछ विकास कार्य कर रहे हैं? अभी हमारे गांव की जो कच्ची गलियां थी कुछ 4-5 गलियों में अभी काम चालू है। झोड़ की सफाई कर रहे थे, अभी बरसात की वजह से रुक गई, बरसात जाने के बाद उसको भी कराएंगे। एक पंचायत भवन की बाउंड्री करा दी है, एक ई लाइब्रेरी मंजूर कराई है अभी हमने, और हमारे गाँव के पार्क और शमशान घाट का सौंदर्यकरण का कार्य अभी बिल्कुल जारी है। अच्छे फल के और फूल के हमने पौधे लगाए हैं, शमशान घाट में भी लगाए, पार्क में भी लगाए। आप देखोगे उसके अंदर अभी हम एक ओपन जिम भी पार्क में लाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगवाएंगे, उसमें पार्क को अच्छा सुंदर बना देंगे। हाँ, रामपुरा के क्या आसपास के इलाके के सारे अच्छे दिन हैं, माननीय मंत्री जी रामेंद्र जी के प्रयास से हमारे इलाके के सारे का बहुत सुंदर और अच्छा विकास हो रहा है। तो ग्रांट हमारे मंत्री जी रामेंद्र जी सिंह, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जिला प्रमुख, चेयरमैन सभी के सहयोग से जो ग्रांट है वो सारी पूरी प्रॉपर मिल रही है और गांव में अच्छा विकास हो रहा है। टूटी हुई को रिपेयर करेंगे, जो कच्ची गली है वो सारे वो नई बनाने लग रहे हैं। आप एक बार गांव में चक्कर लगाओगे, उसमें सारे में हमने पूरी लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे सारे लगा दिए, गलियाँ कच्ची उनमें सब में पक्की निर्माण का कार्य चल रहा है। स्ट्रीट लाइट हमारे पूरे गाँव में कम्प्लीट स्ट्रीट लाइट है,
रात को आप आओ अपनी बाइक से बंद कर दो लाइट, पूरे गांव में चले जाओ, पूरे गांव में रोशनी, कैमरे लगा रखे हैं सीसीटीवी, मुख्य चौराहे में सीसीटीवी कैमरे अभी लगा दिए, कुछ जगह लगाने बाकी है उसमें भी लगाइए पूरी। शहर से भी ज़्यादा बेटर होगी, अभी गैस लाइन का वो काम था वो अभी चालू है, पूरी कंप्लीट लाइट बिछा रहे, गैस की लाइन भी पूरे गाँव में बिछाई जा रही है, घर घर गैस की सुविधा होगी, पाइप लाइन के द्वारा गैस की लाइन बिछा। स्थानीय लोगों की माने तो 15 वर्षों से वही टूटी सड़कों पर समस्या झेल रहे थे। सड़क की पूरी तरह से टूटी पड़ी थी और उसमें पानी भरने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि रामपुरा गांव केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत का पैतृक गांव है, जिसे बावल से विधायक और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गोद लिया हुआ है। बावजूद इसके रामपुरा गांव विकास में पिछड़ा हुआ था, लेकिन नई पंचायत बनने के बाद गाँव में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। रेवाड़ी से सत्य खबर के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।